बहुत सुंदर पोर्टेबल देखने से लग रहा है। फाइनली मार्केटिंग हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 24 जून और आज जो है एग्जाम का लास्ट से पहला वाला एग्जाम है 24 तारीख और सारे काम कंप्लीट कर लिया है। इतने रखते हैं आप रेडी और देखते रहिए मेरा व्लॉग, ये पूरा वर्ड ब्लॉग्स। दोस्तों मैं तैयार हूँ, गाड़ी में बैठ चुका हूँ और यहाँ से एग्जाम के लिए जो है निकलने वाले हैं हम। दोस्तों फाइनली मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, बोंदिता भी बैठ चुकी है, पीछे जो है ये ऋतुराज की मम्मी और ऋतुराज चल रहे हैं। यहाँ से सीधा पहले हम एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। लोग आ चुके हैं नारायण स्वीट्स। फाइनली जो है हम लोग मिठाई खाए, हम खाए रसकदम, ये लोग गुलाब जामुन खा के बस अपना काम चला लिया। फाइनली मैं पहुंच चुका एग्जाम सेंटर पे और काफी पहले यानी कि 9 बजे ही हम एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं। एक घंटा मुझे वेट करना होगा, फिर बोंदिता अंदर चली जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, भाभी को भाभी लोगों को मॉल में छोड़ देंगे, हम डॉक्टर के पास पुर्जा वगैरह लगाएंगे, दवाई वगैरह लेने का काम करेंगे। आ चुके हैं SNS RK संग्राम सिंह एंड रामकुमार सिंह को। जरूरी नहीं था इतना बड़ा नाम रखने का इनको, काफी बड़ा नाम रख दिया गया है। मैं आ चुका हूँ अंदर कैंपस में और यहाँ पर घूम रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं जयनारायण सिंह बाबू चरण सिंह का जो है। दोस्तों अभी मैं हूँ सरनारायण सिंह रामकुमार सिंह कॉलेज में और ये मेरे पीछे जो है दो प्रतिमा देख रहे हैं। काफी सुंदर दृश्य सरनारायण सिंह कॉलेज का पूरा चकाचक पहले पूरा खराब। एग्जाम देने चली गई, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में दवाई लेना है और भाभी लोग को मॉल जाना है, तो दवाई में के जा के पास जाना है, उसके बाद काम करो डॉक्टर कृष्ण के पास जाना है, एक बार सूर्या हॉस्पिटल जाना है, तो यहाँ से निकलते हैं सारा काम के लिए। मैं आ चुका हूँ सूर्या हॉस्पिटल, यहाँ पर पर्चा लगा देते हैं और विजय शंकर से दिखाना है। गुरु साहब के पिताजी मर गए और ये देख सकते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्ग भोला साहब। दोस्तों 2 से 3 पहले अगर आते तो जाम से क्रॉस होकर जो है आगे काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में फंस चुके हैं। दोस्तों कितना लंबा जाम लगा हुआ है, एकदम चारों साइड से जो है आधा घंटा से जाम में फंसे हुए हैं, इसी चला के बैठे हुए हैं, काफी तेल भी खर्च हो रहा है। फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जिला परिषद की आवास वगैरह के पास, के जा के पास गए थे, तो आज भी शाम में बैठेंगे और 28 को उस दिन एग्जाम होगा, तो उस दिन जो है शाम में ही हम निकलेंगे और दिखाते हुए निकल जाएंगे। तो मैं आ चुका हूँ डॉक्टर राकेश कुमार क्लिनिक, यहाँ पर एक ड्रॉप लेना है कान का। इससे पहले हम के झा के पास गए और यहाँ से निकलने के बाद अभी लोगों को जो है मॉल लेके जाएंगे, वहाँ इनको तो लेने खबर लेंगे, उसके बाद होगा तो एक बार जो है परमेश्वरी हॉस्पिटल में जाना है, इसलिए रोग विशेषज्ञ जो है उनसे डॉक्टर से दिखाना है। दोस्तों हम अभी गए थे दवाई दुकान पर राकेश कुमार लिखा हुआ है, दुकान 12 बजे खुलेगी, तो 12 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद एक ड्रॉप लेना है, ये ड्रॉप कहीं भी नहीं मिला है। सहरसा में भी कई दुकान गए, गौतम मेडिकल वगैरह सब, तो वहाँ नहीं मिला, तो यहीं मिलेगा जिसका लिखा हुआ रहता है उसी के यहाँ मिलता है दवाई। ये जो बाइक वाला देख रहे हैं नींद में था, पलट गया। तो हम लोग आ चुके हैं वैल्यू एंड वैरायटी। ए सुपर भाभी, हाँ चलो चलो अंदर चलो। वाह, फाइनली हम लोगों ने वीटू मार्केटिंग कर लिया है ऊपर, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एग्जाम सेंटर के पास, उनका भी निकलने वाली होगी। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:55 और इनका एग्जाम जो है कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले खेत का पूजा होगा, उसके बाद कोई काम होगा। दोस्तों आ चुके हैं हम छोटा सा होटल, यहाँ कर रहे हैं लिट्टी बना सर, मेरे साथ सुपड़ी बैठा हुआ है, ये सुपड़ी कपड़ा खरीदा है और काफ़ी खुश है। रास्ता हो गया। दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ डीबी रोड और यहाँ पर जॉकी जा रहे हैं, यानी कि जॉकी जो ब्रांड है वहाँ पर जो है बोंदिता के लिए टी शर्ट देखना है। यहाँ जॉकी है और ये लोग जो है, चलो चलो बढ़ो बढ़ो। दोस्तों जॉकी का निकट काफी जो है स्मूथ है और काफी कंफर्टेबल देखने से लग रहा है, पहनने के बाद ही कंफर्टेबल लगेगा। ये जो है बोंदिता के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि जयपुर में जो है बेहतर कपड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रूम में ऑफिस के लिए ले लेगी और क्लास जाने के लिए इनको 2 जीन्स दे देंगे, तो क्लास इनका हो जाएगा और अपना हॉस्टल में यूज कर लेंगे। फाइनली मार्केटिंग हो गया, कपड़ा सब खरीद लिए, 2 टी शर्ट और 2 लोअर लिया गया,
अब यहाँ से निकल रहे हैं दवाई के दुकान के। आइस बोला लीची मैंगो खट्टा आम छोला खट्टा कुछ नींबू और ये निकल गया बर्फ। ले भैया छटका भैया ले सुसो। दोस्तों एक बार फिर मैं आ चुका हूँ इस कुमार क्लिनिक पे और यहाँ पर लेना है दवाई। तभी तो बंद था क्लिनिक, क्लिनिक बंद नहीं था दुकान बंद। अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेना है पूजा हाथ में और यहाँ से घर के लिए। फाइनली जो हमने NBCL का ये ड्रॉप लिया है और उनको बोले दिए, बोले बिल कटाइए, डॉक्टर से दिखाइए, परमिशन लीजिए, बोले कि अब ये खो गया तो तुरंत दे दिए। जीवन में संघर्ष जो है ना इसको कहते हैं। ये देखिए आम बेचते बेचते थक गए तो भैया जो है ठेला पर ही सो गए। दोस्तों फाइनली हम लोग सहरसा से निकल चुके हैं। दोस्तों इनका स्टाइल देखिए वाह बहुत सुंदर। की हाल चाल छे ठीक छे। दोस्तों अभी मैं हूँ सिमरी बख्तियारपुर में, मिथुन जी से आम खरीद लिए 3 किलो 60 रुपए केजी की दर से बम्बई और मालदा मिला करके। और हक साहब के पास गए थे, हक साहब क्लिनिक बंद था तो पुनः जो एक बार हमको जो होम्योपैथ जाना होगा यहाँ पर प्रभात जी के क्लिनिक पे और उसी से दवाई लेना होगा। प्रभात जी के मैं निकल चुका हूं क्योंकि डॉक्टर साहब है नहीं, ये घंटा के बाद आएंगे। दोस्तों टाइम हो रहा है 4:52 और मैं पहुंच चुका हूं घर सहरसा से घर। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12, इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।